गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बहुत दिनों के बाद ब्लॉग ही डाल रहे हैं, और क्यों नहीं डाल रहे थे। और आप सभी को आज इस ब्लॉग में बहुत सी जानकारी देना है कि हमारा डेली ब्लॉग क्यों नहीं आ पाता है, और हम आज हम जा रहे हैं मायके, और हम क्यों आए थे, यहाँ नहीं आए थे, वो आप सबको तो अगले ब्लॉग में बता ही दिए थे। और मतलब कि मेन रीज़न क्या था कि हम ब्लॉगिंग नहीं डाल पाए थे, वो हम इस ब्लॉग में बताएंगे। तो चलिए फिलहाल रेडी हो जाते हैं, उसके बाद आप सभी से बताते हैं। तो यहाँ हम घर से बाहर निकल चुके हैं मायके के लिए, रवाना हो चुके। तो अभी मायके जाके रोशन जी को फिर वापस भी लौटना है, और मैं राशि देखिए कैसे कर रही है। तो हम वहाँ जाके ब्लॉगिंग आप सभी को बताएंगे कि हम ब्लॉग डेली क्यों नहीं डाल पा रहे थे। चलिए ब्लॉग पर बने रही। तो हम फाइनली घर पहुँच चुके हैं, और राशि देखिए कैसे कर रही है दीवार से। राशि को भी ड्रेस चेंज कर दिया, खुद भी कर लिया। क्या हुआ, झूठ मूठ कर रही है? कैसे रो रही, कैसे कर रही, देखिए 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 मेरी बिट्टू को, देखिए कैसे कर रही है, क्या हुआ? ओवर एक्टिंग बहुत ज्यादा करना जान गई मेरी आंखें। और फ्रेश होके अच्छे से तैयार हो गया फिर से, क्योंकि बाइक पर आते इसमें तो भूत नजर आ गया था। देखिए ना आप सभी, और हम क्यों आए मायके, और हम बेटा क्या लेगी, क्या हुआ? एक शीशा है ना उधर, उधर देख देख के ये चुप करने मुझे पहले। ओवर एक्टिंग, अच्छा नहीं नहीं मेरी बेटी अच्छी है क्या, मेरी बेटी अच्छी है। अरे बेटा मेरी बेटा मेरी बेटा, क्या हुआ बेटी, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? अब देखिए गोदी आएगी, अच्छा मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, देखिए देखिए इतनी बड़ी हो गई है। नहीं करेगी तेज शांत हो गया, और करना स्टार्ट कर दी, देखिए कैसे करते। और हम इतने दिन से चुप हो ना, हम इतने दिन से ब्लॉग क्यों नहीं डाल पा रहे थे वो आप सभी को बताते हैं, और मायके में क्यों आ गए वो भी बताएंगे इसी ब्लॉग में। चलिए ब्लॉग पर बने रही, और ढेर सारा प्यार दीजिए। राशि को अभी मतलब चुप कर दिया, वो देखिए खेल रही है, इतने सारे सामान लेके खेल रही है। तो पहले इसे एडजस्ट कर देते हैं, उसके बाद आप सभी को फाइनली अभी रीज़न बता देते हैं कि जो रीज़न है आप सभी को बताएंगे, ठीक है। शादी घर में गए थे मायके, मतलब ससुराल जब गए थे, मतलब हम ना वहाँ पर पहले पहुँचे थे एक दिन पहले, और वहाँ दो जने का शादी था। तो हम ना मतलब सोचे कि ब्लॉगिंग करेंगे, तो मेरा ना फ़ोन उसी दिन गिर के टूट गया, और किसी का फ़ोन ना, रोशन जी के पास भी फ़ोन नहीं है, है बट बटन वाला है, तो उससे ब्लॉगिंग हो नहीं सकता था क्या। देखिए क्या कर रही है आशी, और बटन वाला से तो ब्लॉगिंग हो नहीं सकता, और किसी का फ़ोन में हम ये अपना चैनल क्रिएट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत रिक्सी होता है, इसीलिए हैक का डर भी लगा रहता था। इसीलिए ना हम ना मोबाइल तो हमारा चल गया था सर्विसिंग में, और अभी भी आप सभी देख सकते हैं कि हमारा मतलब कैमरा पर ही पूरा स्क्रैच आ गया था, पूरा मतलब डिस्प्ले फट गया था। तो थोड़ा बहुत अभी है, तो अभी हम लोग का उतना स्थिति नहीं है कि जो हम अच्छे फ़ोन ले सके फिर से, तो इसीलिए हम नहीं बना सके। और जल्दी से शादी ख़त्म हुआ, बट हम यहाँ फटाक से यहाँ आ गए, और यहाँ आए कुछ रीज़न है जो आप सभी को बताएंगे, लेकिन अभी नहीं बता सकते हैं, बताएंगे कुछ दिन और वेट कीजिए। तो भी मतलब इसी वजह से हम ब्लॉग ही नहीं डाल पाते। रोशन जी भी आए तो वो भी चले गए, और वो तो घर चले गए पहले ही। और राशि यहाँ देखिए शरारत करी, राशि क्या कर रही है, ये देखिए पेन लेके खेल रही है, देखिए कितनी ज़्यादा शरारत है। तो आई होप कि आप सबको ये ब्लॉग कैसा लगा, तो प्लीज़ आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा, है ना बेटा, है ना, बोलिए आप सभी कमेंट में बताइएगा, हाँ मेरी बेटी के लिए, है ना, मेरी राशि गुड गर्ल है ना, और हमारी राशि कितनी बड़ी हो गई है जल देखते देखते। और भी ये ना मतलब अभी चलना नहीं सीखी है, तो फिलहाल आज के ब्लॉग में बस यहीं तक। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वाले ब्लॉगों के लिए। गाइस आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आए, बाय।